भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत को ब्लड प्रेशर संबंधी दिक्कतें होने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हाल ही में रजनीकांत की एक फिल्म के सेट पर कई क्रू सदस्यों को कोविड-19 का संक्रमण हुआ था। हालांकि रजनीकांत की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। अस्पताल ने प्रेस रिलीज जारी करके सुपरस्टार की हेल्थ का अपडेट दिया है। रजनीकांत हैदराबाद के अपोलो अस्पताल में एडमिट है। अस्पताल की प्रेस रिलीज को आंध्र बॉक्स ऑफिस के अकाउंट से ट्विटर पर साझा किया गया है, जिसमें कहा गया है रजनीकांत को आज सुबह अस्पताल में भर्ती किया गया है। पिछले 10 दिनों से वो हैदराबाद में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। सेट पर मौजूद कुछ लोगों का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव पाया गया था। 22 दिसंबर को रजनीकांत का कोविड-19 टेस्ट हुआ था, जो नेगेटिव आया। तभी से उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया था और वो कड़ी निगरानी में है। उन्हें कोविड-19 संक्रमण नहीं हुआ है, मगर उनका ब्लड प्रेशर में काफ़ी उतार चढ़ाव हो रहा है। जब तक उनका ब्लड प्रेशर सामान्य नहीं हो जाता, वो अस्पताल में ही भर्ती रहेंगे और उनकी जाँच होगी।